पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का जनता से बड़ा वादा, 10 दिन के अंदर समस्या का होगा समाधान। ये कहना है विनोद शर्मा का। वार्ड नंबर एक में चुनाव प्रचार कर रहे थे विनोद शर्मा। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के लिए वोट की अपील उन्होंने की। जनता ने पानी और डिस्पेंसरी की समस्याओं से उनको अवगत करवाया। और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने भरोसा दिया कि जीतने के 10 दिन के अंदर सभी समस्याओं का समाधान होगा। आपको बता दें कि हरियाणा जनचेतना पार्टी लगातार ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी हुई है और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बड़ा वादा किया है 10 दिन के अंदर समस्याओं का समाधान होगा। वार्ड नंबर एक में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे विनोद शर्मा, जहां पर लोगों ने कई तरह की समस्याओं से उनको अवगत करवाया और उनका कहना है कि जीतने के 10 दिन के अंदर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जनता ने पानी और डिस्पेंसरी की समस्याओं से उनको अवगत करवाया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का जनता से बड़ा वादा, 10 दिन के अंदर समस्या का होगा समाधान। आपको बता दें कि वार्ड नंबर एक में चुनाव प्रचार कर रहे थे विनोद शर्मा। और वही हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। परशुराम मंदिर में माथा टेकने के बाद वो वार्ड नंबर एक में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने जनता से संवाद किया और समस्याओं के बारे में जानकारी ली। वार्ड नंबर एक में हरियाणा जनचेतना पार्टी वी ने जसबीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है और इसके साथ ही शक्ति रानी शर्मा पार्टी की तरफ से मेयर पद की उम्मीदवार है, जिनके लिए भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने वोट की अपील की। जनता ने इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के सामने पानी के बोर की समस्या का जिक्र किया, साथ ही डिस्पेंसरी की मांग भी की गई, जिस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा है कि जीतने के 10 दिन के अंदर ही तमाम समस्याओं का वो समाधान कर देंगे। ये चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री, साथ ही साथ लोगों की समस्याएं भी उन्होंने सुनी। कई तरह की समस्याओं से लोगों ने उनको अवगत करवाया और उन्होंने भरोसा दिया है कि 10 दिन के अंदर सभी समस्याओं का समाधान वो कर देंगे अगर उनकी पार्टी जीत दर्ज करती है। साथ ही लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला, जहां भी वो प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं एक भारी जन समर्थन उनको देखने को मिल रहा है। लोगों का एक भरोसा हरियाणा जनचेतना पार्टी में दिखाई दे रहा है। ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग। मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की और साथ ही साथ लोगों की समस्याएं लगातार सुनी जा रही है हरियाणा जनचेतना पार्टी की तरफ से। डोर टू डोर कैंपेन जारी है और ऐसे में लोग अपने अपने इलाके की समस्याएं उनको बता रहे हैं। और आज एक बड़ा वादा यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की तरफ से किया गया है कि पार्टी के जीतने के 10 दिन में वो समस्या का समाधान कर देंगे। जनता में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, एक उम्मीद हरियाणा जनचेतना पार्टी में लोगों को दिखाई दे रही है। ये चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ लोगों की समस्याएं सुनते हुए यहां तस्वीरों में दिख रहे हैं।